आज हम लोग एथेनॉल 3 की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, मोस्टली केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एथेनॉल 3। तो नाइट्रोजन 3 ऑक्सो एसिड बनाता है, ऑक्सो एसिड 3 ऑक्सो एसिड बनाता है। उसमें से देखिए, एक है HNO, दूसरा है HNO2, तीसरा है HNO3। ए नाइट्रिक एसिड, ए है नाइट्रस एसिड और ए है हाइपो नाइट्रस एसिड। तो अब देखा जाए कि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इस बात पे डिपेंड करती है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3 आएगी, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +5 आएगा। ठीक, तो देखिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको पता होना चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, और एसिडिटी कैसे बदल जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन से बदल जाएगा। यानी तीनों चीजें एक दूसरे से आपस में कोरिलेटेड हैं। कैसे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, एसिडिटी ज्यादा होगा। उसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे SO3 है, ठीक है, SO2, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक और ये क्या है, लेस एसिडिक। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि ये CO है और CO2 कौन ज्यादा एसिडिक है, तो जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ग्रेटर इज द एसिडिटी। दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप यहां पर देखिए HNO3, इन तीनों ऑक्सो एसिड में से एक हाइपोनाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज मोस्ट पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसी की प्रॉपर्टीज बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। अब वो कंफ्यूज कर जाती है लोगों को कि कैसे इसको याद किया जाए। तो देखिए, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन ग्रेटर देन H2SO4, और ऑक्सीडाइज नियरली ऑल मेटल एक्सेप्ट AU एंड PT, इन सबको छोड़ करके। इसको आप नोबल मेटल बोलते हैं, नोबल मेटल, ये नोबल मेटल है, एक्सेप्ट नोबल मेटल। तो ये जो नोबल मेटल है, इसको छोड़ करके जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सबसे रिएक्ट कर जाता है। तो एक्सेप्ट नोबल मेटल एल्युमिन, गोल्ड एंड प्लेटिनम को छोड़ करके जितने भी मेटल हैं, सबसे रिएक्ट किया जाता है। HNO3 से भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी सरफेस पर प्रोटेक्टिव लेयर बना रहता है ऑक्साइड की। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात हुई, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो ट्रिक बनाने वाला है कि वो केमिकल रिएक्शन का। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन यानी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विथ HNO3 डिपेंड ऑन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी किस टाइप का एसिड है, उस बात पे डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। दूसरा है कि उस जब रिएक्शन करवाया जा रहा था, तो उसका टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर। और तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटेरियल, यानी मेटेरियल किस टाइप का है, उसके इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मेटेरियल। इन तीन चीजों पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिपेंड करता है HNO3 की। तो अब देखिए, मेन इसमें क्या है, कंसेंट्रेशन। तो यहां पर जो ट्रिक, जिस ट्रिक की बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं इसको, तो ट्रिक ये है कि देखिए, एक ट्रिक यहाँ पे बॉक्स में ऐसे लिखी है। इसी ट्रिक का यूज करके हम लोग कई रिएक्शन पढ़ लेंगे, और वो ट्रिक इस तरह से है कि अगर वेरी डायल्यूट यूज किया जाएगा, वेरी डायल्यूट
वेरी डाइल्यूट है CNO3 यूज किया जाएगा तो वो क्या बनाएगा EN2O EN2O बनाएगा। और अगर डाइल्यूट यूज किया जाएगा, देखिए वेरी डाइल्यूट और डाइल्यूट में फर्क है, वेरी डाइल्यूट में ज्यादा वाटर मिला होगा, डाइल्यूट में थोड़ा सा वाटर मिला जाएगा। तो अगर डाइल्यूट CNO3 यूज करेंगे आप, डाइल्यूट CNO3 यूज करेंगे तो क्या बनाएगा NO बनाएगा। अब अगर कंसंट्रेट यूज करेंगे, कंसंट्रेट CNO3 यूज करेंगे तो क्या बनाएगा NO2। अब इसको भी आज समझ सकते हैं आप, ट्रिक क्या है कि अगर वेरी डाइल्यूट है तो उसकी पावर कम होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। तो यहां पर देखिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बन रहा है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है +1 है, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे पावरफुल हुआ, इसमें कम वाटर में मिक्स डाइल्यूट हुआ तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी जाएगी +2, और ये कंसंट्रेट हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +4, यानी कंसंट्रेट CNO3 नाइट्रोजन को ज्यादा +4 तक पहुंचाएगा, और डाइल्यूट CNO3 +2 तक, और वेरी डाइल्यूट कितना है N2O। तो इतना प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ साथ और क्या बनेगा, जितने टाइप के मेटल होंगे सब मेटल कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें नाइट्रेट में, ऑल मेटल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। और प्लस इनऑर्गेनिक रिएक्शन का फीचर्स क्या होता है कि जितने भी रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन होंगे, प्रोडक्ट बनने में अगर हाइड्रोजन यूज नहीं होते तो प्रोडक्ट टोटल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में H2O में। तो देखिए आज की ट्रिक यही है कि अगर आप वेरी डाइल्यूट यूज करेंगे तो N2O बनेगा, और अगर डाइल्यूट CNO3 यूज करेंगे क्या बनेगा NO, और कंसंट्रेट CNO3 यूज करेंगे क्या बनेगा NO2 बनेगा। तो एक ट्रिक है, तो देखिए डाइल्यूट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी डाइल्यूट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाइल्यूट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कंसंट्रेट CNO3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जितने भी मेटल रिएक्ट करेंगे सब नाइट्रेट में बदल जाएंगे और क्या बना लेगा फाइनली H2O बना लेगा। तो अब देखिए इसी रिएक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे रिएक्शन होगी, तो अब देखिए रिएक्शन का फीचर्स एक ही टाइप से है, बस एक ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। तो अगर हम लोग ट्रिक की बात करते हैं तो देखिए यहां पे पहले है कंसेंट्रेट सॉरी कॉपर +4 HNO3, और ये कैसा है कंसेंट्रेट है, देखिए जिंक +4 HNO3 ये भी अगेन क्या है कंसेंट्रेट है। तो अब आपको ट्रिक पता है, यहां पे लिखा गया कि चाहे डाइल्यूट रिएक्ट करे, चाहे डाइल्यूट रिएक्ट करे, चाहे कंसेंट्रेट रिएक्ट करे, नाइट्रेट बनना नाइट्रेट बनेगा और क्या बनेगा H2O बनेगा। तो आप देखिए कॉपर का नाइट्रेट बना दीजिए, कॉपर का नाइट्रेट बना दिया आपने ऐसे NO3 ट्वाइस हो गया, ठीक। और जिंक का भी नाइट्रेट बना दीजिए, जिंक नाइट्रेट ऐसे हो गया, ठीक। अब इधर कितने हाइड्रोजन है 4, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन है, इधर जितने हाइड्रोजन है सबको वाटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इधर 4 हाइड्रोजन है कितने वाटर बन पाएंगे 2H2O, ठीक है। अब इधर भी 4 हाइड्रोजन कितना वाटर बन पाएगा 2H2O ऐसे। अब देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन कितने है 4 है, यहां पर 2 नाइट्रोजन यूज हुआ, यहां पर कितना बनेगा 2NO सॉरी N2O, यहां पर क्या बनेगा देखिए लिखे आप कंसंट्रेट में क्या बनेगा NO2 बनेगा NO2, यहां पर क्या बनेगा NO2, यहां पर ऐसे 2 लगा दिया आपने क्योंकि नाइट्रोजन देखिए यहां पर कितना है 4 है, तो 2 इसमें यूज हुआ 2 इसमें यूज हुआ। अब हम लोग ऑक्सीजन को देख लेते हैं, अगर ऑक्सीजन बैलेंस होगी तो रिएक्शन बैलेंस होगा। तो देखिए ऑक्सीजन कितने हैं सर 12 ना, 12 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 2 6 6 2 8 4 12। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर यहां पे कंसंट्रेट लिखा है तो कंसंट्रेट लिखा है क्या बनाया दिया NO2 बना दिया, ठीक। अब इसी रिएक्शन को हम लोग डाइल्यूट की तरफ अगर देखें तो देखिए डाइल्यूट के लिए रिएक्शन क्या होगा कॉपर, डाइल्यूट के लिए लिख लिख रहे हम लोग कॉपर 3Cu +8 HNO3 और ये रिएक्ट करेगा, तो देखिए आप लिखे हैं आप चाहे जो रिएक्ट करे, चाहे डाइल्यूट रिएक्ट करे, चाहे कंसेंट्रेट रिएक्ट करे, चाहे वेरी डाइल्यूट रिएक्ट करे, वैसे क्या बनेगा नाइट्रेट बनेगा, जितने वाटर होंगे उतने बनेंगे। तो ठीक है नाइट्रेट बना देते हैं, तो 3 कॉपर है 3 कॉपर नाइट्रेट बना देते हैं 3Cu NO3 का ट्वाइस, 3 कॉपर का नाइट्रेट बना दिए, और कितना हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन है क्या बनेगा 4H2O बना दिया ऐसे, ठीक। और कितने बनेंगे देखिए, अब ये कैसा है डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट नहीं है, कैसा है डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट है क्या बनेगा देखिए डाइल्यूट में NO बनेगा, तो यहां पे NO बना दीजिए
ऐसे। अब देखिए यहां पे कितने नाइट्रोजन यूज हो गया है, 6, 3 + 6 यूज हो गया। आपने यहां पे कितना यूज किया है, 8, तो यहां कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, देखिए कितना ऑक्सीजन हो गया, 24, और यहां कितना है, 3 + 6 18 इसमें हो गया, 18 + 4 = 24। ठीक ठीक इसी तरीके से रिएक्शन किसकी है, जिंक की। देखिए 3 ZnO+8 HNO3, आपने फर्दर फिर क्या यूज किया है, फिर डायलूट ही यूज किया है, फिर डायलूट यूज किया है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखिए 3 ZnO3 का ट्वाइस प्लस 4 H2O + 2 NO ऐसे। तनी ट्रिक ये है कि आप इन सबको याद रखिए, हमेशा नाइट्रेट बनेगा, तो कोई खास बात नहीं है, सभी नाइट्रेट बनना है, नाइट्रेट बनेगा, और जितने भी इधर हाइड्रोजन है सब किसने कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, ये भी। तो आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये याद करना है कि मेरी डायलूट रहेगा तो ये बनेगा, डायलूट रहेगा तो NO बनेगा, अब कंसेंट्रेट रहेगा तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। ठीक, अब इसी को रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं कि अगर मेरी डायलूट होगा तो क्या बनेगा, मेरी डायलूट होगा तो देखिए लिखे आप क्या बनेगा, N2O बनेगा। तो अब देखिए मेरी डायलूट के लिए रिएक्शन लिख देते हैं इस तरह से, लिखे 4 CU + 10 HNO3। अब क्या बनेगा, फिर नाइट्रेट तो बनना तय है, तो आप क्या लिख दिए, 4 CU NO3 का ट्वाइस। अब देखिए कितना नाइट्रोजन यूज होगा, 8 है, 8 नाइट्रोजन यूज हो गया। यहां कितना यूज किया आपने नाइट्रोजन, 10, तो 8 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब फिर वाटर बनाने से देखिए आप कितना हाइड्रोजन है, 10, तो कितना वाटर बनेगा, 5 H2O, 5 H2O बना दिया, प्लस 2 बनेगा। ठीक, तो मेरी डायलूट है क्या बनाना है, ये देखिए N2O बनाना है, तो N2O इस तरह से बना दीजिए, N2O। तब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 30 तो है इधर ऑक्सीजन, इधर कितना है, 6 = 24 और 24 + 5 = 29 और 31। ठीक, तीसरा ऑक्सीजन बैलेंस है, पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। तो आपको ट्रिक ये याद होनी चाहिए, दूसरी रिएक्शन लिख देते हैं आप, देखिए 4, फिर सब कुछ उसी तरीके से, 4 ZN + 10 HNO3, HNO3 एक कन्वर्ट होगा इसमें, 4 ZnO3 ऐसे, ठीक है, प्लस 10 हाइड्रोजन है तो कितना बनेगा, 5 H2O। ठीक है, अब प्लस क्या बनेगा, N2O। तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, ये ट्रिक याद होनी चाहिए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। तो और कुछ याद नहीं करना है, मेटल है तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा, चाहे जो भी मेटल देखते हैं नाइट्रेट बनेगा, अगर वेरी डायलूट है तो N2O, डायलूट है तो NO, और कंसेंट्रेटेड क्या बनाना है, NO2 बनाना है। ये तो है मेटल के साथ रिएक्शन करने का। और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करने का एक ट्रिक क्या है, कि नंबर ऑफ HNO3 यूज्ड, नंबर ऑफ, ये ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक की हम लोग बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ HNO3 यूज्ड, नंबर ऑफ HNO3 यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही HNO3 यूज करेंगे, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने भी HNO3 यूज करेंगे। सो नंबर ऑफ HNO3 यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने HNO3 यूज करना है, पहला ट्रिक है। और दूसरा ट्रिक यह है कि हर एक यानी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो विथ नॉन मेटल HNO3 फॉर्म NO2 along with oxidation, ये दो ट्रिक है। तो पहले ट्रिक ये है कि विथ नॉन मेटल, देखिए मेटल के साथ उसने क्या बनाया था, नाइट्रेट बनाया था, ठीक, नॉन मेटल के साथ क्या बनाएगा, NO2, दूसरा ट्रिक है। पहला ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ HNO3 यूज्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसी ट्रिक का यूज करते हुए हम लोग लिखते हैं कि कार्बन है ना, कार्बन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4,
कार्बन फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चैनल थ्री यूज करें, लिखा है नंबर ऑफ चैनल थ्री यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर, तो कितना यूज करते हैं फोर एचएनओ थ्री यूज कर दिया ऐसे। अब इसको ऑक्सीडेशन होगा, तो देखिए कार्बन में जब ऑक्सीडेशन होगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है CO2 में प्लस फोर बना लेगा, तो प्लस फोर बना लिया ऐसे ठीक। और लिखा है नंबर ऑफ चैनल थ्री यूज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर, तो चैनल थ्री कितना यूज किया फोर यूज किया, या ऐसे बन गया। अब फिर दूसरा ट्रिक लिखा है व्हेन नॉन मेटल एचएनओ थ्री विथ नॉन मेटल एचएनओ थ्री फॉर एनओ टू, ठीक है तो फोर है फोर नाइट्रोजन है तो क्या बना दीजिए फोर एन ओ टू बना दीजिए ऐसे। और प्लस इधर ये भी ट्रिक था कि जितने इधर हाइड्रोजन होंगे सब किसका कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में, जितने जितने हाइड्रोजन है फोर किसका कन्वर्ट हो जाएगा टू एच टू ओ। अब बैलेंस देखने इसको भी चेक कर लेते हैं कितने हाइड्रोजन हो गए बारह, यहां पर कितने दो आठ दो दस दो बारह बैलेंस। दूसरी रिएक्शन देखिए यहां पे एस एट है तो एक सल्फर में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिक्स, एक सल्फर में सिक्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आठ सल्फर में कितने जाएंगे 48, ठीक है तो 48 हो जाएंगे। तो आप लिख दीजिए 48 HNO3 HNO3 ए रिएक्ट करके क्या बनाएगा सल्फर को कन्वर्ट कर देगा किसमें H2SO4 में, तो आपने इसको आठ है तो आप क्या लिख दीजिए 8H2SO4 ऐसे ठीक, यानी प्रोडक्ट बनाया प्लस उसके साथ अब देखे कितने NO2 बना देगा 48 NO2 बना दिया ऐसे ठीक। अब देखिए इसमें 16 हाइड्रोजन यूज हो गया है तो जब वाटर आप बनाएंगे 16 हाइड्रोजन कम कर देंगे, इधर कितने हाइड्रोजन टोटल 48 है 16 कम हो जाएंगे तो बचा कितना 24, 24 में से कितना बन जाएगा 12H2 बन जाएगा 8 9 16 ठीक है 48 है 16 कितना बचेगा 32 32 तो 32 में से क्या बन जाएगा 16H2 बन गया ऐसे। अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस है इसमें इस तरह से। अब दूसरा देखिए C4 है एक फास्फोरस में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक फास्फोरस में पांच, एक फास्फोरस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने पांच ठीक है तो चार में कितने हो जाएंगे 20, तो आप 20 HNO3 यूज करिए 20 HNO3 20 HNO3 रिएक्ट करेगा तो अब फास्फोरस से क्या बनाता है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस से फॉर्मूला है H3PO4 ठीक, फास्फोरस कितने फोर फास्फोरस है यहां पर फोर बनाया ऐसे और प्लस 20 HNO3 यूज किया आपने तो क्या बना देगा 20 NO2 ऐसे बना दिया। और प्लस देखिए 12 हाइड्रोजन यहां पर यूज हो गया आपने कितना लिया है 20 लिए 12 यूज हो गया कितना बचा 8, 8 हाइड्रोजन से कितना बनेगा 4H2। अब ये भी देखिए रिएक्शन बैलेंस होगी तो यहां पर कितने ऑक्सीजन है 60 ऑक्सीजन है इसमें, इसमें कितना है 16 और इसमें कितना है 40 56 हो गया 40 10 50 56 और 4 60 हो गया, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखिए आयोडीन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि आयोडीन की रिएक्शन में क्या है कि यहां पे देखिए I2 है ठीक है I2 है, अब इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रेडोमिनेंट होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है लेकिन बॉन्डिंग कितने भाग लेंगे सिर्फ 5 भाग लेंगे, तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यानी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें हम लोग 7 नहीं लेने वाले हैं, कितना लेने वाले हैं 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस यहां पे कितना बन जाएगा 10 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, एक एक में 5 दूसरे में 5 10, तो आप 10 HNO3 यूज कर दीजिए 10 HNO3 यूज कर दीजिए 10 HNO3 यूज किया तो यहां पे क्या बनेगा I2 से आयोडिक एसिड बनाएगा HIO3 ठीक है 2 आयोडिक एसिड बना दिया, आयोडीन 2 है 2 आयोडिक एसिड बना दिया प्लस 10 NO2 बना दिया। अब प्लस देखिए 2 हाइड्रोजन यहां पे यूज हो गया 10 हाइड्रोजन यहां पे 2 हाइड्रोजन इसमें यूज हुआ बचे कितने 8, 8 से क्या बन जाएगा 4H2O इस तरह से। तो देखिए हमारे पास तीन ट्रिक है, इस तीन ट्रिक से पूरे HNO3 की हम लोग प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं। पहला ट्रिक यही था कि अगर वेरी डाइल्यूट यूज करेंगे, वेरी डाइल्यूट यूज करेंगे क्या बनाएगा N2O, अगर डाइल्यूट यूज किया क्या बनाएगा NO, अगर कंसेंट्रेट यूज किया क्या बनाएगा NO2। पहली ट्रिक है जो उधर पहले देखते थे। दूसरी ट्रिक यह है नंबर ऑफ HNO3 यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर नॉन मेटल, ये रूल किसके लिए है नॉन मेटल के लिए विथ नॉन मेटल HNO3 फॉर NO2 ठीक है एलाइन विथ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेगा देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन किसमें कर देगा CO2 में, सल्फर का ऑक्सीडेशन किसमें कर देगा H2SO4 में, फॉस्फोरस का H3PO4 में, आयोडीन का किसमें आयोडीन एसिड में कर देगा। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी के अकॉर्डिंग HNO3 यूज हुआ है,
इस तरह से आज हम लोगों ने HNO3 प्रॉपर्टीज देखा और आप लोग देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आ सके और ऊपर देख सके। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।